हाय फ्रेंड्स, एमवीएस ब्रदर में आप सभी का स्वागत है। वैसे आज हम ट्रेलर रिएक्शन करने वाले हैं गांधी गोड से एक युद्ध ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन करेंगे। वैसे हमने इसके टीजर पे भी रिएक्शन करा था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके जरूर चेकआउट करें। तो उसका ही अभी ट्रेलर आया है तो हम उस ट्रेलर पे रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वैसे मैंने अभी तक ये ट्रेलर देखा नहीं है तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। और क्या करें, गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है, कैसे रोका जाए उसे। मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। कोर्ट से पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। मुसलमान सारी फसाद की जड़, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। मुसलमान हमारे भाई है और तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। अगर इस आग को मेरे खून से ही बुझना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब गांधी को मरना होगा। बाबूजी बच गए हैं। महात्मा गांधी। मैं गोडसे से मिलना चाहता हूँ। हमारे इस पवित्र देश का बंटवारा तुमने कराया है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है गोडसे। महान है, महात्मा है, पाखंडी है, झूठा है, शत्रु है वो हिंदुओं का, हिंदू राष्ट्र का। मैं आजाद भारत को आधुनिक भारत बनाना चाहता हूँ। आधुनिक देश बनाना चाहते हैं तो धार्मिक ग्रंथों को नहीं, संविधान को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। अब कांग्रेस के वंश को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, अब उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है। हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं है। कोई चाहे तो एक दिन में गॉड से बन सकता है, लेकिन गांधी बनने में पूरी उम्र लग जाती है। बात मेरी या गांधी की नहीं है, बात देश की। मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र। एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा। देखते हैं मूवी आने के बाद क्या होता है। मुझे तो काफी पसंद आया है ट्रेलर। देखते हैं इनके विचारों में क्या मतभेद थे, क्या कुछ है। इस मूवी से ही पता चलेगा हमें कि गोडसे ने क्यों मारा गांधी जी को, तो वही इस मूवी में दिखाया जाएगा। वैसे देखते हैं क्या होता है इस मूवी आने के बाद, क्योंकि उसी दिन पठान रिलीज हो रही है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसे ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। वैसे मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि ये मूवी कहाँ तक जा सकती है। वैसे स्टोरी मुझे काफी अच्छी लग रही है। देखते हैं क्या सच है, जो गांधी और गोडसे में क्या विचारों का मतभेद था, उन्हीं का जो सच है वो हमें पता चलेगा कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था, वही देखेंगे हम मूवी में। मुझे तो काफी अच्छा ट्रेलर लगा है। देखते हैं। वैसे मूवी में दिखाया गया है 1947 का वो बंटवारा, तो क्या कुछ हुआ था देखेंगे अभी मूवी में। लेकिन ट्रेलर काफी अच्छा है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो बजता है आखिर में, गूज़बम्प आते हैं।
वैसे मुझे काफी अच्छा इसका ट्रेलर लगा है। वैसे हमें जरूर बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि ये ट्रेलर आप जल्द से जल्द देखिए। काफी अच्छा ट्रेलर है, आप जल्द से जल्द ये ट्रेलर देखिए। आपको भी एहसास होगा कि किसे ट्रेलर कहते हैं। सच में काफी अच्छा ट्रेलर है। ऐसे हमारा इस पे रिएक्शन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।